गाइस क्या मैं आपको बोलूं, मैं जीरो किल के साथ हीरोइक जाने वाला हूं। यस गाइस, मैं बिना कोई डैमेज दिए, बिना कोई किल किए मैं हीरोइक या तो फिर ग्रैंड मास्टर जाने वाला हूं। गाइस हम जितने भी मैच खेलेंगे, रैंक बूस्ट करेंगे, उसमें किल बिल्कुल जीरो करने वाले हैं और हर मैच को जीतने का ट्राई करेंगे। यस गाइस, आज मैंने चैलेंज ले लिया है, फ्री फायर में सबसे बड़ा चैलेंज ले चुका हूं कि आज से पहले किसी ने ऐसा चैलेंज नहीं लिया है कि जीरो किल के साथ हीरोइक पुश करें। यस गाइस, हम मैच में ना तो किल कर सकते हैं, ना तो बंदे को फायर कर सकते हैं, हम लोग गन भी नहीं उठाने वाले। तो आप पूरा मैच देखिए हम लोग कैसे करने वाले। आप लोग पहले ओवरऑल देख लो, मेरा जीरो किल है, मतलब अभी तक मैंने गेम स्टार्ट नहीं किया है और हम लोग अभी चालू करने वाले गेम, और देखो कैसे कैसे सीन होता है, क्या क्या मजेदार सीन होता है। सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टार्ट, और ये स्किल मैं यूज करने वाला हूँ जिससे मैं मैच खेलूंगा, और मैं पूरे मैच में किल्स नहीं करने वाला हूँ। कितना मुश्किल होने वाला है रैंक पुश करना, पूरे वीडियो में देखो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले हम लोग ने जैसे ही मैच स्टार्ट किया, हम लोग का सबसे पहला मैच था इस गेम का, इस रैंक पुश का, हम लोग जीरो किल के साथ चैलेंज करने वाले, तो हम लोग गन नहीं उठाने वाले। तो आप लोग चलते हैं मैच की तरफ, और लॉबी में हम आ चुके हैं। मैच लगा है हमारा कलारी के ऊपर, तो कलारी के ऊपर हम लोग क्या करने वाले, रीसप्लाई, जो आपको पता होगा रीसप्लाई रहता है, इसको लूट लूट के मेरे को बहुत सारा सुपर मेडियर कॉइंस मिल जाता है, उसके बाद मैं आराम से इससे हील बैटल कर पाऊंगा लास्ट जोन में, और गाड़ी वाला स्किल लगा के आया हूँ जिससे मैं गाड़ी घुमा पाऊंगा, बंदे मुझे मारेंगे नहीं, और मैं किसी को बंदे को मार भी नहीं सकता, मैक्सिमम बंदे को मैं लूट भी नहीं कर सकता, मेरे को बस वॉल से कवर करके बचना है। मैं उतरता हूँ नीचे की तरफ, देखता हूँ रीसप्लाई है, मैं उतर के भाई मैं सोचता हूँ पहले रीसप्लाई लूटूंगा, उसके बाद गाड़ी ढूंढ के आराम से सर्वाइव। यहाँ पे नीचे मैंने रीसप्लाई देख लिया था, इस रीसप्लाई को लूटने के बाद मेरा एक ही टारगेट था, गाड़ी कहीं से गाड़ी ढूंढू और मैं आराम से पूरे मेरे रीसप्लाई लूटूं। और जैसे मैं रीसप्लाई लूटने आया, मेरे को एक बंदा दिख गया था सामने, तो मैंने सोचा फटाफट ये रीसप्लाई लूट के यहाँ से निकलता हूँ, पर उस बंदे ने मेरे को अटैक करके खत्म कर दिया था, तो मेरा पहला मैच एकदम बेकार गया। पर गाइस आप टेंशन मत लो, अभी मैं आप लोगों को ऐसे मैच दिखाने वाला हूँ जो मैंने नॉन स्टॉप 3 मैच जीते हैं। यस गाइस, नॉन स्टॉप 3 स्टिक बनाऊँ मैंने, मैं नेक्स्ट मैच प्रायोरिटी लगा, मैंने पूरा मैच पूरा लूट लिया रीसप्लाई, और मेरे पास टोकन देख सकते हो 3600 टोकन है, और सामने एक बंदा था तो उसके सामने मैं रिफ्रेश नहीं कर सकता, वो बंदा मुझे बार बार फायर कर रहा है, मेरा रीसप्लाई भी उधर ही है, तो मैं वेट कर रहा हूँ उस बंदे का जाने का। मेरे पास थोड़ी बहुत मेडी है और सुपर मेडी भी है, तो मेरे को वेट करना है, ज़्यादा बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं लेना और फाइट नहीं लेनी। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है जब सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाए, तो मैं जा रहा हूँ बंदे के पास, बंदा है नहीं इधर, तो मैं जाके पहले मेरा रीसप्लाई लूटूंगा, इधर से मेरे को बहुत सारे टोकन भी मिल जाएंगे, लगभग 4200 टोकन हो चुके हैं। आपको देखा मेरे को 600 टोकन मिल चुके हैं रीसप्लाई से। आप जाके मेरे को कुछ नहीं करना है, जाके रिफ्रेश करना है बहुत सारा, और रिफ्रेश करके मेरे को सुपर मेडी और थोड़ी बहुत अच्छी स्किल निकालनी है। देख पा रहे होंगे मैं बहुत सारा सुपर मेडी निकाल रहा हूँ, निकालने के बाद मेरा एक ही टारगेट रहता है जोन के अंदर जाना। मैं जैसे ही जोन के अंदर गया और मैं जाके एक बढ़िया पोजीशन में बैठ चुका हूँ, जहाँ पे मुझे बंदा कोई मार ना पाए, मैं आराम से हील और बैटल करके यहाँ से बुइया ले पाऊँ। तो क्या मैं यहाँ पर बुइया ले पाऊँगा, मेरे नीचे दो बंदे हैं और मैं ऊपर हूँ, मैं मेरा गन है पर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, और मेरे पास स्किल वगैरह आप देख लो, मैं के कटर यूज़ कर रहा हूँ अच्छे से, मेरा ईपी मिल जाए और उससे एचपी कन्वर्ट करके मैं आराम से हील बैटल कर लूँ। मैं जैसे ही थोड़ा डैमेज लेके सुपर मेडी मार रहा था, नीचे दो बंदे का फायर आ रहा था, वो दोनों फाइट कर रहे थे, एक बंदा उसमें से मर चुका है और एक मैं अकेला जिंदा हूँ। मैं मार रहा हूँ सुपर मेडी, नॉन स्टॉप सुपर मेडी मारूंगा, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं है, मेरे को बस मेडी मारना है, इधर बहुत सारा मेडी है और मैं ये ब्लू नेलर मार रहा हूँ जिससे आप लोगों को एकदम से एचपी मिलती है बहुत सारी, ये आप लोगों को मार लेना है जब भी आप हील बैटल करो। और मैं मारता ही जा रहा हूँ मेडी, मारता ही जा रहा हूँ मेडी, मेडी मारता ही जाऊँगा मैं बस, मेरे पास बहुत सुपर मेडी, आप लोग देख सकते हो लगभग 25 मेडी था मेरे पास, वो बंदा मर जाएगा, वो कितना भी मेरे को टफ कॉम्पिटिशन दे दे पर मेरे से नहीं जीत पाएगा, मेरे पास जुदा मेडी है। लो मर गया, ये तो अंजलि था, लड़की था, मर गया, और हमारा हो चुका है बुइया, और हमारा पहला बुइया हो चुका है दूसरे गेम में, दो गेम खेला और दूसरा बुइया निकल चुका है, और हमारा प्लस लग चुका है 36 का, और हमारा प्लस बहुत ही बढ़िया लगा है, और हमारा बन चुका है एक गेम बुइया बुइया बुइया। हम चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, हमने चालू कर दिया नेक्स्ट मैच और हमको लगाना है अच्छे से अच्छे प्लस। हमारा नेक्स्ट मैच लगता है बरमुडा में, अब मेरा एक ही टारगेट है, रीसप्लाई लूटो, लास्ट जोन में हिल बैटल करके बुइया मारो। मैं बहुत सारा रीसप्लाई लूटने के बाद अपने रिफ्रेश करना आ गया टोकन, आप लोग मेरे पास देख पा रहे होंगे बहुत टोकन होने वाले हैं, अब मैं कलेक्ट करूंगा, मेरे पास लगभग 5000 टोकन हो जाएंगे। आप लोग इधर देखो, मैं कलेक्ट किया टोकन और मेरे को 300 टोकन और मिल चुके हैं। मैं जाके यहाँ पर रिफ्रेश करने वाला हूँ, टोकन की बारिश है हमारे पास, जाके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके मेडी उठाने वाला हूँ। मेडी उठाने के बाद मैं लास्ट जोन में हील बैटल करने वाला हूँ। यहाँ पर एक सीन हो जाता है, जोन बहुत दूर बन चुका था और मैं रिफ्रेश करता ही जा रहा था, मैं यहाँ पर जाते ही जोन में जाते ही सुपर मार रहा था, मैं नॉक हो गया, मेरे को लगा भाई ये मैच तो गया। जैसे ही मैंने ये मार के फिर फटाक से सुपर मेडी और कैरेक्टर सब कुछ यूज़ कर दिया जो मेरे पास था, मैं जैसे ही यूज़ करके मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हॉर्स लाइन तो वेस्ट हो चुका था, तो मगर मेरे लास्ट जोन में अगर मैं हील बैटल में नहीं जीत पाता हूँ तो मैं तो भाई हार जाऊँगा ऐसा लग रहा है। मैंने यही सोचा था कुछ भी हो जाए बस जोन के अंदर चला जाऊँ, जितना भी मेडी लगे लगने दो, तो मैं पूरा मेडी मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है जोन के बाहर। जोन बहुत ही ज़्यादा दूर था, मैं यहाँ पर रिमना में था और जोन था पीक
में मैं जाता जाता हूँ, जितने भी मेडी था गाइस डैमेज देख पा रहे हैं, बहुत ही गंदा डैमेज काट रहा है। जो भी मेरे पास था सब कुछ मैंने यूज़ कर दिया है। मैं बोला भाई अपन को बस अपनी जान बचानी है और प्लस निकालना है, कुछ भी हो जाए ये मेडी तो और भी मिल जाएगी बाद में। चलते हैं जोन के अंदर। जैसे ही जोन के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ बंदे फाइट ले रहे थे वो ऑलरेडी बहुत सारे बंदे। आता हूँ जोन के अंदर और एक ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे बंदे मेरे ऊपर फायर ना करें। और मेडी देख पा रहे होंगे बहुत ही कम बच चुकी है मेरे पास, लगभग 2 मेडी है मेरे पास। मैं उतर के यहाँ पर ड्रॉप से 1-2 मेडी और निकाल लेता हूँ जिससे मेरा कवर हो जाता है और अच्छा खासा सर्वाइव कर पाऊंगा मैं 4 मेडी के साथ। और नॉर्मल मेडी भी यहाँ से मेरे को बंदे के लूट में से मिल जाती है, वो भी उठा लेता हूँ सेफ्टी के लिए, क्या पता बंदा मुझे डैमेज दे तो मैं उसे बच पाऊँ। उसके बाद बहुत सारा मेडी उठाने के बाद मैं सोचता हूँ अब नीचे की तरफ जाता हूँ गाड़ी लेके। और गाड़ी लेके नीचे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर एक सीन हो जाता है, बंदे लड़ाई करते हैं और मेरा गाड़ी फोड़ देते हैं। और मेरे पास वॉल था, गन नहीं था, मैं डैमेज भी नहीं देना चाहता था, मेरा चैलेंज यही था डैमेज भी नहीं दूं मैं कोई भी गेम में। बंदे इधर से उधर फाइट कर रहे थे, मेरे को ढूंढ रहे थे बंदे, मैं यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था, उनको पता नहीं मेरे पास गन है। तो मैं यहाँ पर बचने की पूरी कोशिश करते हुए कि मैं यहाँ से बच के फटाफट सर्वाइव कर लूँ और ये मैच भुजिया निकालूँ। मेरे पास मेडी की बहुत ज़्यादा कमी थी, 2 या 3 ही मेरे पास मेडी थी सुपर। और नॉर्मल मेडी से आपको पता है हील बटन नहीं कर पाते आपके पास जितना भी मेडी हो, पर नॉर्मल कभी भी हील बटन नहीं जीत पाओगे आप सामने वाले बंदे के पास। अगर आपके पास 4-5 मेडी है तो आप लोग हील बटन करिए, नहीं तो मत करिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सामने बंदे फाइट ही फाइट ले रहे हैं, मैं इनलर मार रहा हूँ, जो भी मेरे पास जो चीज़ होती है मैं सब यूज़ कर लेता हूँ। लास्ट जोन में वो आपको काम तो नहीं आने वाली, कभी भी कोई भी चीज़ लास्ट जोन में बजा के नहीं रखनी है, जो भी आपके पास होता है वो सब कुछ यूज़ कर लेना है। और मैं यहाँ पर बंदे वो ग्लू मेल्टर फेंक रहा था, मेरा वॉल भी टूट जा रहा था, वॉल भी कमी थी, एक बंदा मर चुका है उनमें से और 1v1 फाइट है। मेरे को लग रहा है बंदा मेरे ऊपर रश कर देगा ना तो भाई मेरे पास सीन हो जाएगा, मैं इस बंदे से मर जाऊँगा। मैंने सोचा वो बंदा मरा है, उधर जाके मैं हील बैटल करता हूँ, जो उनका थोड़ा सा बाहर था और मैं मारता हूँ सुपर मेडी। मारने का सोचता हूँ, पहले नॉर्मल मारता हूँ फिर सुपर मेडी मारने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही मारता रहता हूँ मेडी और फिर सुपर मारता हूँ दूर नॉन स्टॉप। मेरे पास 4 मेडी थी, मैंने पूरा नॉर्मल गिरा दिया, अब सुपर के ऊपर ही बुया मारने का ट्राई करूँगा। जोन अभी भी उस बंदे के पास है, मेरा मेडी एक ही रह गया। आप लोग देख पा रहे हैं बंदे के पास जोन अभी भी गया नहीं है, वो बंदा क्या करता है देखते क्या हमारा बुया हो पाएगा। मेरे को नहीं लगता मेरा बुया हो पाएगा, ऑलरेडी बहुत ही कम मेडी है, मेडी खत्म है, नॉर्मल है और वो भी हॉर्सलाइन भी नहीं है, बंदा अंदर है भाई। व्हील बटन जीत जाऊँ प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज भाई, भाई 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 भाई। और ये लोग जीत गए, हम लोग जीत गए, बुइया बुइया मिल चुका है, हम लोग ने बुइया निकाल लिया बहुत ही बढ़िया वाला। और हमारा वापस प्लस लग गया 37 का, वो भी 0 किल के साथ, 0 एलिमिनेट, 0 डैमेज एंड बेस्ट बुइया भाई हमारा लग चुका है। नॉन स्टॉप का 2 स्टिक लग चुका है शायद। यस गाइस हम लोग आ चुके हैं प्लैटिनम 4 में, बहुत ही बढ़िया बहुत ही उमदा गेम प्ले करते हुए हम लोग आ चुके हैं प्लैटिनम 4 में। अब हम लोगों को 2 का स्टिक भी मिल चुका है। अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट का मैच के अंदर, नेक्स्ट के मैच के अंदर हम लोग बहुत ही भयंकर खेलने वाले हैं। आ चुके हैं मैच के अंदर, मैच के अंदर आते ही लगा एल्फाइन, सब मैच अलग अलग लग रहा है भाई, सेम मैप नहीं आ रहा है। अच्छा है ऐसा हमको प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। एल्फाइन में उतरा मैं और जा रहा हूँ रीसप्लाई के पास, रीसप्लाई के पास उतर रहा हूँ, गाड़ी भी है रीसप्लाई भी है, अच्छा खासा लूट भी मिल जाएगा और सर्वाइव करने के लिए गाड़ी भी है, तो और क्या चाहिए। आते हैं यहाँ पर मैं रीसप्लाई लूट के पूरा मेडी वेडी लूट लेता हूँ और बैकपैक लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से मैं सोचता हूँ एक गाड़ी पकड़ के निकल लेता हूँ। गाइस कभी भी रीसप्लाई का फायदा ये है, लॉन्च पैड मिलता है और एक ग्लू मिलता है, तो ग्लू लगा के लॉन्च पैड लगा के कहीं पे उड़ सकते हो बंदा अगर रश करे तो। गाड़ी लेके मैं पूरे मैप में रीसप्लाई लूटने के बाद मेरे को बहुत सारे टोकन मिल जाते हैं, लगभग 6000 टोकन आप लोग देख पा रहे हो, छोटा मैप इसलिए बहुत सारे कलेक्ट कर लिए मैंने। यहाँ पर मैं जाके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, बहुत सारा रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं सोचता हूँ अब चलते हैं जोन के अंदर। बहुत सारा हमने रिफ्रेश कर लिया है, गाड़ी तो 3 ही, तो मैं लॉन्च पैड लगा लगा कि जोन के अंदर जा रहा था, मैं जोन के अंदर पहुंच भी गया था। यहाँ पर बंदे 3 अलाइव है गाइस, लास्ट जोन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है बिना गन के खेलना। और ये बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, देखो वॉल लगा, ये अभी घुसेगा मेरे ऊपर शायद। लास्ट में ये दोनों बंदे टीम अप कर रहे थे पता नहीं मेरे को, मैं यहाँ पर वॉल लगाया, इस बंदे ने रश कर दिया, मैं नीचे भी एक वॉल लगा देता हूँ, मैंने सोचा ग्रेनेड फेंकेगा, सच्ची में उस बंदे ने ग्रेनेड फेंका ही फेंका, ऊपर एक और वॉल लगाई तो हाइट बन जाए मेरी और मैं मरूँ ना। वैसे अगर ये मेरे को नॉक कर देता है ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, क्यों मेरे पास मेडी भी कमी है भाई इस बार, मतलब नॉर्मल मेडी मारना पड़ेगा फिर मेरे को, सुपर वेस्ट हो जाएगी। और वॉल आप लोग देख पा रहे हैं 5 वॉल है, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना बिना गन के, बिना गन के कितना मुश्किल है आप लोगों को पता ही होगा बाहर निकलना। और मैं यहाँ से वॉल हटाने का ट्राई कर रहा था, कोई ग्लिच लग जाए और यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँ वॉल लगा के, मतलब ऐसे लॉन्च पे लगा ग्लिच होता है ना गाइस बाहर निकल जाता है, तो मैं ट्राई कर रहा था बाहर निकलने का पर निकल नहीं रहा था। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने 2 वॉल लगाई तो भी नहीं निकल पा रहा था, मैंने सोचा भाई अब वॉल वेस्ट हो जाएगी, 4 ही वॉल थी, नीचे से निकलने का ट्राई कर रहा था तो भी नहीं हुआ, फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं भाई बोला वॉल लगाते हैं और निकलते। 3 वॉल है, लास्ट जोन है भाई, मैप बहुत ही बड़ा है, अभी भी जोन आना है, बंदा मेरे सामने ही है, मेरे को उस बंदे के पास जाके पकड़ना पड़ेगा जोन, मेरे को जोन उधर ही लग रहा है जोन बनेगा थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ा आगे जाके एक जगह पकड़नी पड़ेगी। और ये बंदा सामने मेरे बंदा
मैं जैसे ही आके यहाँ पर पैक हो जाता हूँ, पैक होने के बाद मैं वेट करता हूँ ये बंदा मेरे को मारे ना, मैं आराम से पहले के कर लगाता हूँ और ये बंदा वापस ग्लू मिल्टर और वो ग्रेनेड वेनेड मारता है। आप लोग को पता है वॉल की पहले से ही कमी है अपने पास, और वॉल तोड़ते ही जा रहा है तोड़ते जा रहा है। इस बंदे ने मेरा दिमाग ख़राब कर चुका था, वॉल मेरा ख़त्म हो चुके थे। अगर अब देखो ग्लू मिल्टर फेंक रहा है, ग्रेनेड फेंक रहा है, मैं सोचा अब यहीं से हील बैटल करेंगे, इससे आगे जोन में नहीं जाने वाले हम लोग, यहीं से हील करता रहता हूँ मैं, यहीं से हील करता रहता हूँ मैं, पूरा मेडी मारता रहता हूँ। और किसी बंदे ने मेरे को कमेंट में बोला था शॉर्ट वीडियो डाला था, भाई ये तो आपका अनरैंक्ड मैच है गाइज, आप लोग इस मैच में देख लेना, ये रैंक मैच है बिना रैंक मैच का है। कोई मुझे कमेंट किया था शॉर्ट वीडियो में, मैंने इसका शॉर्ट डाला था, बोला था भाई ये तो कस्टम है, ये तो रैंक मैच नहीं, ये रैंक मैच है। आप लोग हील बैटल देखो पहले कितना खतरनाक हील बैटल होता है, दो बंदे लड़ाई करते हैं, मेरा मेडी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता बंदा, वो भी सामने वाला भी बहुत टक्कर वाला बंदा था, वो भी हील बैटल कर रहा था, पता नहीं सुपर मेडी मार के मेरा। आप लोग मेडी देखो बहुत मेडी था, इसके लिए मैं कॉन्फिडेंस था, पर मेरे पास अभी डर भी ये था कि मैं मर ना जाऊँ। वो भी बंदा हील बैटल कर रहा है बहुत ही तगड़ा वाला, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, हील बैटल कर रहे हैं भाई, दोनों तगड़े वाले। मेरे को लगा अगर मर गया तो मेरा स्टिक टूट जाएगा, मेरा स्टिक तो नहीं टूटना है भाई, मेरे को डर लग रहा है। तो मैं हील बैटल करता जा रहा हूँ, मेडी मारता जा रहा हूँ, वो सामने वाला भी मार रहा है, मेरा ऑलमोस्ट मेडी खत्म हो जाता है। उसके पास कितना मेडी रहता है भाई, वो भी मेरे को लग रहा है बहुत ही खतरनाक मेडी कलेक्ट करके आया था। और मैं इनहेलर वगैरह सब कुछ जो जो मेरे पास होता है सब कुछ लास्ट में मरना ही है तो यूज़ कर लेता हूँ मैं, और मैं डिमीटर भी मार देता हूँ, मैं मरूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो बंदा मर चुका है और हमको लग चुका है एक और बुइया, बहुत ही बढ़िया वाला बुइया। इस बार हमका 35 का प्लस हुआ, जैसे ही रैंक बढ़ता है उतना दो पॉइंट मेरे हमारा कम हो, 37 लग रहा था पिछली बार, फिर हमारा लगा 3 का स्टिक लगने वाला है बहुत ही उमदा वाला, आप लोग देख पा रहे होंगे 0 kill 0 damage एंड हमने बुइया कर दिया। फिर एक और मैच लगाता हूं कलारी के साथ, आप लोगों को पता ही होगा हमारा कैसा रहता है भाई, पिछली बार भी जो कलारी खेले थे उसमें भी हम लोग जीतना भाई, इस बार कलारी में देखते हैं कि हम लोग जीत पाएंगे। कलारी थोड़ा सा मेरे साथ सेट नहीं होता, इसमें जिपलाइन बंदे यूज़ करके ऊपर से मार देते हैं। टोकन कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया जोन के अंदर, जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई मेडी मार के यहाँ से निकल लूँगा, यहाँ पर बहुत सारा लूट करता हूँ मैं, बहुत टोकन होते हैं मेरे पास, लूट करके मैं सोचता हूँ, यहाँ पर गाड़ी पड़ी थी मेरे पीछे दो तो मैं यहाँ से गाड़ी पकड़ के जोन में निकलने का सोचता हूँ, फिर मैं यहाँ से टोकन वगैरह कलेक्ट करके फिर गाड़ी पकड़ के निकलने का सोचता हूँ, तो मैं गाड़ी ले लेता हूँ। और जैसे ही जोन में जाता हूँ ना गाइस, एक सीन हो जाता है मेरे को, बंदा एक ही गोली में वुड पिकर से हेडशॉट दे देता है और मैं ख़त्म हो जाता हूँ, मतलब ऐसी एटी थी ये, मैं इसे ख़त्म हो जाता हूँ। और मेरा यहाँ पर मेरा स्टिक भी टूट जाता है और प्लस ही बहुत कम होता है 17 का, तो कोई भी बात नहीं गाइस, हमने बहुत ही बढ़िया खेला है अभी तक। हम डायमंड 2 ऑलमोस्ट आ चुके हैं, डायमंड 1 पे पर ऑलमोस्ट डायमंड 2 में आ चुके हैं, हमको थोड़ा सा प्लस चाहिए डायमंड 2 के लिए, हम लोग हीरोइक कर लेंगे। इस पार्ट में आपको इतना ही दिखाने वाला हूँ और मैं स्क्वाड डीओ सब खेलने वाला हूँ, बंदे बोलेंगे सोलो खेल रहा है, तो आप लोगों को सोलो का भी दिखेगा, डीओ का भी दिखेगा, स्क्वाड का भी गेम प्ले दिखेगा, सब में बहुत ही हार्ड होने वाला है। और मैं ग्रैंड मास्टर के बंदों के साथ खेल रहा था भाई, उसमें भी मैंने बहुत सारा सर्वाइव किया गाइस, हाँ मतलब ग्रैंड मास्टर के बंदों के साथ सर्वाइव करने के लिए मेरे को बुलाया था, मैं किया था भाई, बहुत ही मुश्किल लॉबी होती है, तो भी मैंने वहाँ पर हीट बैटल से एक बुइया मारा था, वो भी आप लोगों को वीडियो आएगा जल्दी। और आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही कम डैमेज, मतलब डैमेज ना के बराबर मैं डैमेज देता हूँ पूरे मैच में, डैमेज दे भी नहीं पाता हूँ, वो कैसे लग जाता है मेरे को खुद को नहीं पता, या तो गाड़ी से हिट हो जाता है बंदा, या तो फिर पता नहीं कैसे हो जाता है मेरे को पता नहीं। और आप लोग देख पा रहे हैं स्टेट्स कैसे हैं, मैं बहुत ही सर्वाइव करके खेल रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले सबको बाय बाय, गुड बाय।